सिंपल 50,000 लगाया था राजेश और दीपक ने, देखते हैं दोनों का रिटर्न क्या बनता है, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट उन्होंने 2013 में पैसा डाल दिया था। तो चलो देखते हैं 2013 में जब उन्होंने पैसा डाला था तो कितना डिफरेंस आया, वो चीज आप काफी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि सर मैं इन्वेस्ट किसमें करूं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूं या एक्टिवली जो म्यूचुअल फंड होते हैं इसमें इन्वेस्ट करूं। तो देखो यार बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, तो देखो सबसे पहले आज उस क्वेश्चन पे आते हैं, दो लोगों की कहानी देखो, राजेश और दीपक भाई की कहानी। राजेश की साल 30 साल है, दीपक 40 साल की एज है। एक ने इन्वेस्ट किया इंडेक्स फंड में और एक ने इन्वेस्ट किया एक्टिव फंड में। अच्छा पहले दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है, अब फिर हम बताएंगे कि भाई दोनों में से ज्यादा पैसा किसने बनाया। लाइव दिखाऊंगा मैं आपको, जो सीधे डायरेक्टली मनी कंट्रोल वेबसाइट में जाके दिखाऊंगा, सो देट आपको रियल में दिखे कि भाई दोनों इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने पे लास्ट 10 सालों में किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंटेज हुआ। तो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली। देखो सबसे पहले इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड मतलब क्या होता है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी, इंडिया की जो लगातार जो टॉप 50 कंपनी है, रिलायंस की बात कर सकते हैं, अदानी की बात कर सकते हैं, अंबानी की बात कर सकते हैं, रतन टाटा जी की बात कर सकते हैं, टॉप 50 कंपनी। लेकिन ये जैसे जैसे ईयर होता है हर साल ये अपना स्टेटस, अपना जो रैंक वो चेंज करती रहती है। हो सकता है कि रिलायंस टॉप पे रहो, अगले साल रिलायंस नीचे हो जाए, लेकिन इंडिया के टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा लगता है उसको कहते हैं इंडेक्स फंड। ठीक है, काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर इंडेक्स फंड में अच्छा पैसा लगाने का मौका रहता है क्योंकि इंडियन कंपनी हमारी बहुत शानदार कंपनी है, रिटर्न बहुत तेजी से मिलता है। दूसरा होता है कि जो मैं एक्टिवली फंड की बात करता हूं, इक्विटी एक्टिविटी फंड की बात करता हूं, वो फंड में पैसे आपके इंडियन कंपनी के साथ साथ कुछ बाहर कंपनियों में पैसे लगते हैं, राइट। वहां पास म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को भाई कहीं भी लगा सकता है। तो चलो दोनों में डिफरेंस समझते हैं, इन दोनों में से किसको ज्यादा पैसा मिला थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। चलो देख लेते हैं दोनों की कहानी। अब दोनों में से बेस्ट कौन है, एक्टिवली फंड अच्छा है कि भाई जो हमारा इंडेक्स फंड है वो अच्छा है, दोनों में कहानियां समझ लेते हैं, सो दैट आने वाले समय में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ समय पहले वॉरेन बफे साहब ने कहा था कि देखो यार अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट पैसा शुरू करते हो तो आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, वॉरेन बफे साहब रहने वाले अमेरिका के, ठीक है, और अमेरिका की अगर बात करें, आप यूएस की बात करें, वहां मैक्सिमम कंपनी डेवलप्ड है, आप जो कंट्री है ना वो डेवलप कंट्री है मैक्सिमम। वहां की अगर टेस्ला की बात करो, गूगल की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, सारी कंपनियां ना एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं जो वहां के इंडेक्स फंड, क्योंकि ये कंपनियां वहां के खुद की नेशनल कंपनियां हैं, तो जो इनको कोई नॉर्मल इक्विटी फंड भी बीट नहीं कर पाता। इसीलिए जो बाहरी कंपनियों, अगर वॉरेन बफे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट था बाहरी कंपनियों के हिसाब से। लेकिन इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री हमारे इंडिया है, बहुत सारी कंपनियां डेवलप फेज में है, डेवलप कर रही हैं, इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा इक्विटी होता है ना वो इंडेक्स फंड को भी क्रॉस कर जाता है, राइट। आपको देखने दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा पहले ये समझ लेते हैं, फिर लाइव दिखाएंगे कि दोनों में से, उन दोनों में से भाई पैसा किसने बनाया। चलो पहली बात होती है फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो आपको पता है म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं जो आपके पैसों को मैनेज करते हैं। देखो वो ऐसा बंदा होता है वो सोचता है कि भाई मैं तो अपना भी रिटर्न निकालूं और आपका भी पैसा बनाऊं, करेक्ट। देखो यहां क्या होता है, फंड मैनेजमेंट में आपका अगर जो इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो फंड मैनेजमेंट किसमें होता है, बेसिकली निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में बेसिकली आपका फंड मैनेजमेंट होता है। लेकिन अगर वही बात करें आपका सिंपल जो एक्टिवली फंड है, एक्टिवली फंड मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, हो सकता है कि बाहरी कंपनियों में निवेश होता है, जैसे मैं पराग पारी फ्लेक्सी कैम की बात कर सकता हूं, तो वहां क्या होता है एक हमारा फंड मैनेजर पैसे को मैनेज करता है। ठीक है, फंड मैनेजर मैनेज करता है, यहां एक जो फंड मैनेजर होता है, यहां कोई फंड मैनेजर होता नहीं, ऑटोमेटिक आपका पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में लगता है। इसीलिए देखो क्या डिफरेंस होता है। रिटर्न की बात किया जाए तो अभी लाइव दिखाऊंगा रिटर्न, लेकिन उसके पहले मैं आपको एवरेज रिटर्न की बात करूं तो आपको इंडेक्स फंड लगभग आपको 10-12% एवरेज रिटर्न दे देता है, 10-12% की बात करेंगे। वहीं अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको 15-20% रेट ऑफ इंटरेस्ट बना है काफी कुछ सालों में। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बात करें रिस्क।
देखो यार, अगर रिस्क थोड़ा बहुत आप लाइफ में ले सकते हो ये सोच के कि भाई पैसा मैंने डाल दिया और पैसा मैंने डाल के छोड़ दिया कुछ दिनों के तक की, तो क्या होता है, क्योंकि राजेश और दीपक भाई ने भी 50,000 रुपीज लगा के 10 सालों के लिए छोड़ा है। अब देखते हैं कि उनको क्या डिफरेंस मिलेगा, कितना अंतर पड़ेगा। लेकिन रिस्क की बात करें तो आपका जो इंडेक्स फंड है यहाँ लो रिस्क रहता है, यहाँ ज्यादा रिस्क रहता नहीं है, क्योंकि आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर मैं बात करूं कोविड के सिचुएशन के समय, तो कोविड में जिन्होंने इंडेक्स में पैसा लगाया था उनका ज्यादा निगेटिव नहीं हुआ था एज कंपेयर टू उन्होंने जो लगाया था, जो इक्विटी एक्टिव फंड ने पैसा लगाया था उनकी कंपेयर में, तो दोनों में बहुत अंतर था। लो रिस्क भाई यहां तो हाई रिस्क है, मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप यहां पैसा इन्वेस्ट करते हो तो देखो हाई रिस्क है, लेकिन अगर आपका ड्यूरेशन लंबा है, 10 से 12 साल आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि पैसे लगा के भूल जाऊं, तो देखो वहां पास रिस्क आपका यहां कोई ज्यादा नहीं होता, रिस्क एपेटाइट वहां हो जाता है। अब चौथी बात करें कॉस्ट एक्सपेंसेस, सिंपल सी बात है, कहीं अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर लगे हुए हैं आपके पैसे को मैनेज करें, डेफिनेटली एक्सपेंस खर्चा आपसे लेंगे अपनी कंपनी को चलाने के लिए, एम्प्लॉयज को चलाने के लिए, उनके एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए डेफिनेटली खर्चा लेंगे। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर में अगर इंडेक्स फंड की बात करूं तो यहां इनका लगभग बहुत कम होता है, 0.2 से लेके 0.8% तक इनका केवल एक्सपेंस रेशियो होता है, जो एनुअली कटता है। ध्यान रखना, काफी लोग पूछते हैं मुझसे कि एक्सपेंस रेशियो कटता कब है, एक्सपेंस रेशियो कटता है ईयरली, हर साल आपका एक्सपेंस रेशियो कट जाता है। वही बात किया जाए, क्योंकि यहां एक्चुअली फंड मैनेजर होते हैं, यहां तो देखो कोई है ही नहीं, सिंपल पैसा आपका लग रहा है इंडेक्स में, इंडिया के टॉप 50 कंपनी में लग रहा है, जैसा कंपनी परफॉर्म करेगी आपको रिटर्न मिलेगा। यहां बात है फंड मैनेजर की, अगर बात करें यहां फंड मैनेजर एक्टिवली लगाता है, उसकी टीम लगी होती है। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, मार्केट डाउन होता है तो फंड मैनेजर ना कोशिश करता है आपके पैसों को डेट फंड में लगा देता है, लार्ज कैप कैटेगरी में फंड लगा देता है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर मार्केट मान लो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो सोचता है मैं लार्ज कैप कंपनी में लगा दूं, बहुत ज्यादा मार्केट अगर हाई पोजीशन पे है तो कम में लगा दिए, अगर मार्केट आपका लो है तो कोशिश करता है फंड मैनेजर आपके हाई रिटर्न वाले फंड में लगा देता है, सो दैट रिटर्न ज्यादा मिलता है। इसीलिए यहां इनकी फीस लगभग हो सकता है 1.2 से लेके कभी कभी 2% तक इनका क्या होता है एक्सपेंस रेशियो होता है। तो देखो दोनों में कितना अंतर होता है आपका, कभी कभी मैं आपको बताऊं, हमेशा याद रखना दोनों की अगर बात करें तो लगभग 1% का दोनों का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। चलो ये हमने देख लिया, और सेकंड कहानी आपको पता है, सिंपल 50,000 लगाया था राजेश और दीपक ने, देखते हैं दोनों का रिटर्न क्या बनता है, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट उन्होंने 2013 में पैसा डाल दिया था, तो चलो देखते हैं 2013 में जब उन्होंने पैसा डाला था तो कितना डिफरेंस आया, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। चलो मनी कंट्रोल वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलो अगर मैं बात करूं क्वांट स्मॉल कैप फंड की, बात करो क्वांट स्मॉल कैप फंड, अगर कैटेगरी देखा जाए तो एक्टिवली कैटेगरी फंड है, ये कोई इंडेक्स फंड नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, मैं अगर रिटर्न्स की बात करूं, देखो रिटर्न्स की बात करूंगा तो आपको बहुत मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी। सॉरी नहीं, शायद दिख रहा होगा, मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो ठीक है ना, यहां देखो कि आपका रिटर्न, मैं कंपेयर परफॉर्मेंस करूंगा, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, मेरा फंड एक्चुअली जो हमारा क्वांट फंड है, ठीक है ना, और क्वांट मिड कैप फंड में, अच्छा क्वांट फंड में किसने पैसा लगाया था मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वांट मिड कैप में पैसा किसने लगाया था, क्वांट मतलब हमारा एक्टिव फंड, दीपक ने पैसा लगाया था। तो दीपक का 40 इयर्स जिनकी एज है उन्होंने क्वांट में लगाया था पैसा, राजेश जी का हमारे इंडेक्स फंड में पैसा था। अब देखो रिटर्न के मामले में दोनों का कितना रिटर्न बना, ठीक है ना। अब क्वांट में अगर दीपक ने पैसा लगाया था तो आप देख सकते हो कि लगभग 27.78% अगर इसने दिया है, किसने 27% दिया है, किसने हमारा दिया है क्वांट में 27% रिटर्न दिया है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें तो केवल कितना दिया है 12% की, केवल 12.15% इंडेक्स फंड हमारा दिया है। थोड़ा मैं एसआईपी कैलकुलेटर माध्यम से आपको दिखाऊंगा, सो दैट आपको क्लियर पता चले कि 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद जहां अगर नॉर्मली क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 16% रिटर्न दिया है, वहीं अगर देखा जाए हमारा क्या जो हमारा अदर इंडेक्स फंड है उसने केवल 12-13% दिए। दोनों में कितना अंतर हो जाता है आप देख सकते हो, 50,000 इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है ना, 50,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग एवरेज से 16% मिला है,
पांच साल का एवरेज 23% था, लेकिन 16% उसने दिया है पीरियड अगर मैं बात किया जाए 2013 से 2023 तक, 10 सालों की बात किया जाए। देखो एक बात, 50,000 इन्वेस्ट किया था, 2,20,000 वैल्यू है, ठीक है ना, 2000 किसकी, 50,000 16 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10,000 टोटल अपना इयर्स का इन्वेस्टमेंट है, तो 50,000 इन्वेस्ट किया, 2,20,000 है। तो यही देखा जाए इसकी ये किसका है, मैं इसके ये आप देख सकते हो ये किसकी बात हुई, इन्होंने एक्टिव में इन्वेस्ट किया था, मैं बात करूंगा दीपक का, 50,000 जो इन्वेस्टमेंट किया था, इनकी वैल्यू लगभग 2,00,000 है, 2,00,000 वैल्यू इनकी है, क्योंकि इन्होंने एक्टिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, सॉरी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया था, जो फंड थोड़ा रिस्की था, लेकिन उन्होंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट में करते हैं। वही राजेश जी की बात करें, उन्होंने 50,000 इन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, लेकिन उनकी वैल्यू देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू कितना मिला, क्योंकि इनको इंडेक्स से केवल 12-13% ही मिला। अब यहां 12-13% की बात करें तो दोनों में भी डिफरेंस आ जाएगा, और आगे जाके और डिफरेंस आएगा, इनको केवल 1,50,000 वैल्यू मिली केवल, ये आगे जाके और डिफरेंस होता है, अभी शुरू में आपको दिखता नहीं है, लेकिन आगे जाके और ज्यादा डिफरेंस आता है, इनको केवल मिला 1,55,000। अब बोलोगे सर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, भाई डिफरेंस बहुत है, अभी देखोगे, अगर ये पैसे उन्होंने काफी दिन तक छोड़ दिए होते रख के, तो पैसों में कितना डिफरेंस होता आप देखो, अगर ये छोड़ दिए होते कितने, कुछ सालों के लिए, मान के चलो 20 सालों के लिए छोड़ दिए होते, अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई 50,000 लगाया, तो हो सकता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 4,82,000 मिले, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4,82,000 ही आपको दिखे। लेकिन अगर आप एक्टिवली फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो रिस्क लेके इन्वेस्ट कर सकते हो, और रिटर्न थोड़ा सा भी ज्यादा मिला, तो देखो 4,82,000 उनको मिल रहा था, यहां वैल्यू हो रही है 9,73,000। तो देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए डिपेंड करता है कि आप किसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। दीपक ने इंडेक्स फंड ना चूज करके इन्होंने इन्वेस्ट किया एक्टिवली फंड में, थोड़ा बहुत फंड मैनेजर को फीस दिया, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया। वहीं देखा जाए राजेश ने बोला भाई रिस्क बिल्कुल नहीं लेना मुझे, मैं सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं, दोनों में डिफरेंस है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है तो भाई रिटर्न भी कम है, रिस्क यहां थोड़ा सा ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहां डिफरेंस समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में रिटर्न किसका ज्यादा है और दोनों में बेनिफिट किसको ज्यादा है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर करो, बाकी आप कुछ भी आपके क्वेश्चन हो जरूर मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।